Good morning everyone. Today we are going to learn subject Hindi for grade 1. Take out your Hindi notebook, write down today's date 3037 2021. Write down heading revision, revision, revision. चलो स्टार्ट करते हैं. नंबर वन मैं आपको अभी MCQ लिखा रही हूँ. ओके, तो हम डायरेक्ट नंबर वन से स्टार्ट करेंगे. छोटा ऊ स्पेस क बड़ी इकी मात्रा की, क बड़ी इकी मात्रा की, म उसके बाजू में आकी मात्रा मा, त्र उसके बाजू में आकी मात्रा त्रा, मात्रा मात्रा उसके बाजू में व, उसके बाजू में आकी मात्रा वा, उसके बाजू में ल आकी मात्रा ला. छोटे उ की मात्रा वाला स्पेस श स ब आधा द जॉइंट शब्द, ब आधा और द जॉइंट शब्द स्पेस क क औ की मात्रा क न कौन डैश कौन डैश स उसके बाजू में आ की मात्रा सा कौन सा स्पेस ह उसके ऊपर दो मात्राएं है. छोटे उ की मात्रा वाला शब्द कौन सा है. चलो लास्ट में क्वेश्चन मार्क. चलो चलो अब हम ऑप्शन लिखेंगे. चलो उसके एग्जिट सेकेंड लाइन पे लिखो क क उसके नीचे बड़े उ की मात्रा कू, ल र कूलर. उसके बाजू में आप क्या करोगे बॉक्स, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ना और फिर लिखना अ अ न आ की मात्रा ना र अनार, फिर उसके बाजू में बॉक्स, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ना और फिर लिखना प उसके नीचे छोटे उ की मात्रा पू, ल पुल, फिर उसके बाजू में छोटा सा बॉक्स करना. ओके, अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है, छोटा उ है बड़ा नहीं है, तो हमें ऑप्शन में क्या देखना है, जहाँ पर छोटा उ की मतलब छोटे उ की मात्रा आपको जहाँ दिखे वहाँ ही आपको वो शब्द पर राइट टिक करना है. तो छोटे उ की मात्रा वाला शब्द कौन सा है, छोटे उ की मात्रा वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है, बड़े उ की मात्रा है तो नहीं आएगा, यहाँ पर तो उ की मात्रा है ही नहीं, यहाँ तो आ की मात्रा है अ ना र तो नहीं आएगा, लास्ट में क्या आएगा पुल, तो प के नीचे क्या है, छोटे उ की मात्रा. तो चलो लास्ट बॉक्स में राइट टिक करो. चलो आगे नंबर टू. चलो अंग, अ के ऊपर अनुस्वार, अंग से अंगूर, अंग स्पेस क उसके पीछे बड़ी की मात्रा की, अंग की स्पेस म उसके बाजू में मा, सॉरी उसके बाजू में आ की मात्रा मा, उसके बाजू में त्र उसके बाजू में आ की मात्रा त्रा, मात्रा स्पेस व व उसके बाजू में फिर से आ की मात्रा वा, उसके बाजू में ल आ की मात्रा
ला, मात्रा वाला ऊपर जैसा ही हमें लिखना है, सेम टू सेम। स्पेस स आधा ब द जॉइंट, शब्द शब्द स्पेस क औकी मात्रा क न कौन डैश, उसके बाजू में स आकी मात्रा सा कौन सा कौन सा, स्पेस ह उसके ऊपर दो मात्राएं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंक की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? अब हमें क्या करना है, जो ऐसा शब्द हो जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हो वो शब्द हमें ढूंढना है और वहां पर टिक करना है। चलो पहले ऑप्शन लिखते हैं। क उसके ऊपर अनुस्वार कंग, उसके बाजू में ग गर का ग, उसके पीछे बड़ी की मात्रा गी कंगी कंगी यानी कॉम, बॉक्स करो उसके बाजू में, फिर थोड़ी स्पेस म छ उसके बाजू में ल, फिर बड़ी ई की मात्रा ली मछली, फिर उसके बाजू में बॉक्स करो मछली, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ो और फिर ज उसके नीचे बड़े ऊ की मात्रा जू, त आ की मात्रा ता जूता, और फिर उसके बाजू में बॉक्स। चलो हमें तीन ऑप्शन मिल गए, कंगी मछली जूता। चलो इसमें से हमें अंग की मात्रा किसके ऊपर हमने डॉट किया है या अनुस्वार लगाया है, तो नंबर वन पर यानी फर्स्ट वाला जो शब्द है वहां पर। तो चलो कंगी ये हुआ, यहाँ पर लगा है डॉट, तो चलो उसके बाजू में राइट करो। चलो नंबर थ्री, नंबर थ्री छोटी ई की मात्रा उसके बाजू में ब, छोटी ई की मात्रा उसके बाजू में ब यानी ब छोटी ई की मात्रा बी, आधा ल उसके बाजू में आधा ल, फिर उसके बाजू में पूरा ल और पीछे बड़ी की मात्रा बिल्ली बिल्ली बिल्ली, स्पेस क उसके पीछे बड़ी की मात्रा की बिल्ली की बिल्ली की, स्पेस आ आ व आकी मात्रा वा, और लास्ट में ज आवाज आवाज, स्पेस क क के ऊपर दो मात्रा यानी आई की मात्रा कई, उसके बाजू में स सर्कस का स, उसके पीछे बड़ी की मात्रा सी कैसी कैसी, स्पेस ह ऊपर हो उसके बाजू में ओ की मात्रा हो, ह के बाजू में ओ की मात्रा हो, उसके बाजू में त पीछे बड़ी ई की मात्रा होती होती, स्पेस ह उसके ऊपर दो मात्राएं है, और क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्ली की आवाज कैसी होती है, बिल्ली की आवाज कैसी होती है? तो चलो पहले ऑप्शन लिख देते हैं। तो पहले लिखो नीचे ब औ की मात्रा और अनुस्वार भ डैश, फिर से भ उसके बाजू में औ की मात्रा और अनुस्वार बउ बउ बउ, तो वो तो बिल्ली थोड़ी बोलती है, वो तो कुत्ता बोलता है। चलो सेकंड ऑप्शन लिखते हैं, आधा म बीच में स्पेस रखना, आधा म उसके बाजू में य जॉइंट, उसके बाजू में आ की मात्रा या, उसके बाजू में बड़ा ऊ और बड़े बड़ा ऊ जहां पर लिखा उसके ऊपर चंद्र बिंदु म्याओ डैश, आधा म फिर से य जॉइंट आ की मात्रा या बड़ा ऊ और उसके ऊपर चंद्र
बिंदु, चलो बॉक्स किया। अब मेरा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगी, नीचे लिख दूंगी। चलो क, उसके बाजू में आकी मात्रा का, उसके ऊपर चंद्र बिंदु काव, व काव डैश, फिर से वो लिखो क, आकी मात्रा का, ऊपर चंद्र बिंदु व काव, काव 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 काव, क्या लिखा हमने, काव काव। चलो क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्ली की आवाज कैसी होती है, बिल्ली की आवाज कैसी होती है, तो भाव भाव नहीं, म्याओ म्याओ। हाँ, तो बिल्ली कैसा बोलती है, म्याओ म्याओ। तो चलो हमें सेकंड बॉक्स में राइट करना है। चलो नेक्स्ट है नंबर फोर, नंबर फोर। चलो म, म उसके ऊपर एक मात्रा में, ढ क, मेढक मेढक मेढक, स्पेस क, पीछे बड़ी की मात्रा की स्पेस आ, उसके बाजू में व, आ की मात्रा वा, ज आवाज आवाज आवाज, स्पेस क, उसके ऊपर दो मात्राएं के, स पीछे बड़ी की मात्रा कैसी कैसी, स्पेस ह, ओ की मात्रा हो, त बड़ी की मात्रा ती होती, स्पेस ह, उसके ऊपर दो मात्राएं है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मेढक की आवाज कैसी होती है, मेढक की आवाज कैसी होती है। चलो ऑप्शन लिखते हैं, काऊ काऊ लिखते हैं पहले, क, उसके बाजू में आ की मात्रा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु एंड व, काऊ डैश क, उसके बाजू में आ की मात्रा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु काऊ काऊ, फिर उसके बाजू में बॉक्स, उसके बाजू में बॉक्स, फिर स्पेस ट, र, र के ऊपर ऐसा चिन्ह, र का चिन्ह, ट र, र के ऊपर चिन्ह। चलो उसके बाजू में बॉक्स और लास्ट में स्पेस छोड़ के बा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु ब की मात्रा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु डैश, फिर से ब की मात्रा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु बा बा। चलो लास्ट में बॉक्स। तो क्वेश्चन क्या है, मेढक की आवाज कैसी होती है, तो काउ काउ नहीं, वो तो कौवा बोलता है, टर टर या बा बा नहीं, तो मेढक की आवाज कैसी होती है, वो कैसे बोलता है, टर टर। तो सेकंड बॉक्स में राइट करो। चलो अब लिखते हैं लास्ट नंबर, नंबर फाइव, नंबर फाइव। चलो य, य स्पेस छोटी की मात्रा, उसके बाजू में च, च छोटी की मात्रा ची, चलो उसके बाजू में त्र, चित्र चित्र, स्पेस क, आकी मात्रा का, क आकी मात्रा का, स्पेस प, उसके बाजू में ह, उसके बाजू में ल, आकी मात्रा ला, पहला पहला, स्पेस व, व ण, ण इसके ऊपर र का चिन्ह, वर्ण वर्ण, वर्ण यानी लेटर अक्षर, स्पेस क, उसके बाजू में औ की मात्रा क,
न कौन देश स आकी मात्रा सा कौन सा स्पेस ह उसके ऊपर दो मात्राएं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह चित्र का पहला वर्ण कौन सा है? यह चित्र का पहला वर्ण कौन सा है? चल ऑप्शन लिखते हैं। प प फिर बॉक्स उसके बाजू में भ फिर बॉक्स और लास्ट में क कमल का क और फिर बॉक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा? चित्र लिखा है तो वो चित्र जो होता है वो पिक्चर है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो हम ड्रॉ करते हैं काइट। हमें काइट ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करना है? हमें काइट ड्रॉ करनी है। चलो किया। चलो ओके। अब यह चित्र का पहला वर्ण कौन सा है? ये किसका चित्र है, किसका पिक्चर है? पतंग का। तो पतंग का फर्स्ट वर्ण यानी उसकी शुरू की आवाज क्या है? उसका फर्स्ट लेटर क्या है? प है। पतंग का प, तो प यहाँ पर है तो हाँ है, यहाँ पर है प, तो फर्स्ट बॉक्स में राइट करो। ओके, तो ये जो आज का रिवीजन है आपको अच्छे से लर्न कर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। बाय एवरीवन।